तत्त्वं च निन्द्यानन्दिमं चेन्निनन्द सहा परमितं पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुहि गुपतिन्यान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा नमो जो तव जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भविजो मुनि ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को वारंबार नमस्कार करो। श्री कमलवर्ती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परम तत्त्वं परम परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्टि नमाम्यं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारंतरम लाय जी महाराज की। श्री कमलवती सी जी ग्रंथादि राज की जय हो। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। से चल रहा है श्री कमलवती सी जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारंतरन देव आत्मा को कमल की तरह निर्लिप्त कह रहे हैं कि आत्मा निर्लिप्त है और निर्विकारी तत्व है। आत्मा में किसी प्रकार का विकार ऐसे निर्विकारी तत्व का निरूपण करते हुए ऐसे निर्विकारी तत्व के आचरण को कहते हुए चारित्र में आत्मा की रमणता को कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं जिनम च परम जिनम। जिनमें भी परम जिन तुम्हारा स्वयं का वीतराग स्वभाव है। जिनेन परमात्मा वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, जगत के तारणहार है। ऐसे वीतरागी परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा के समान ऐसा परम जिन तुम्हारा अपना स्वरूप है भैया। अर्थात जैसी वीतरागता सर्वज्ञ परमात्मा के अंतर विद्यमान है वैसी वीतरागता अपने अंतर में विद्यमान है। उनकी वीतरागता उनके काम की है और अपनी वीतरागता अपने काम की है। उनकी वीतरागता का यह लाभ है कि वो वीतरागी होने के साथ साथ हितोपदेशी हैं, तो वह सर्वज्ञ परमात्मा ऐसे हित का उपदेश दे रहे हैं। क्या है, क्या हित का उपदेश दे रहा है, क्या हित उपदेश दे रहा है, क्या बता रहा है कि जिनम च परम जिनम, जिनम च परम जिनम। अपना जितेंद्री जो जिन स्वरूप है वो परम जिन स्वरूप वो अपने अंतर ही विद्यमान है। अब और कहीं और किसी की रुचि लगाना छोड़ दो, अब और किसी को देख अब और किसी को जानना देखना छोड़। क्यों छोड़ दें? क्योंकि अपने अंतर में अपना परम जिन स्वरूप है। देखो भैया अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने हैं, जिनवाणी के दर्शन करने हैं, कहने लगे इन सब के दर्शन तो बाहर व्यवहार चल ही रहा है, तो फिर कहने लगे इन जिनेन्द्रों में जो जिन स्वरूप है वो परम जिन स्वरूप तुम्हारे अंतर में है। जो जिनेन्द्र में विद्यमान है वही मूरत वही सूरत वही अनंत गुण तुम में विद्यमान। जो वीतरागता महा जगमगा रही है वही वीतरागता यहां जगमगा रही है। जैसा वीतराग में उनका शुद्ध स्वभाव है वैसा वीतराग में अपना शुद्ध स्वभाव। क्या करें गुरुदेव? कहने लगे जिनम चा परम जिनम। उन जिन परमात्मा जैसा, उन वीतरागी भगवंत जैसा
अपना स्वयं का परम जिन स्वभाव। तो क्या करना है गुरु महाराज, इन जिनियम उसे जीतना है, उसमें रहना है, उसमें आचरण करना है। कैसे होगा आचरण भैया? ज्ञानम पंचामी अक्रम चोयम। जो ये ज्ञान में जिनेन भगवान के वचन है अक्षर में, जो अपने अक्षय ज्ञान, अपने अक्षय ज्ञाता स्वभाव को प्रकट करते हैं आत्मा में, जो अपना अक्षय स्वरूप है ना भैया, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में पद। लेकिन ये जिनेन भगवान के वचन, ये अक्षर ये जो अक्षर है, ये अक्षर क्या करते हैं भैया? अक्रम जोयम, इन अक्षरों से जो ये अक्षर जोड़ते हैं। काहे से जोड़ते हैं भैया? ज्ञानम पंचामी, जो अपना पंचम केवल ज्ञान अक्षय स्वभाव है, उस अक्षय स्वभाव से जोड़ते हैं। देखो गुरुदेव तो क्या कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, परम जिन स्वभाव तेरे अंतर में है, ज्ञानम पंचामी अक्रम जोयम, इसे पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को तू जो। अपन इसे अपनी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जिनवाणी में कहे जो अक्षर है, ये सम्यक ज्ञान में जो जिन भगवान की वाणी का उपदेश है, ये सम्यक ज्ञान में जो अमृत रचायन है, जिन्हें भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, ये जिन भगवान के वचन अक्रम, ये अक्षर ज्ञानम पंचामी, अपने पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को से जोड़ने वाले। देखो ऐसे समझते हैं, माता के वचन, पिता के वचन, पुत्र के वचन काय से जोड़ने वाले भैया? अब देखो लड़का कहेगा भैया पिताजी, तो कहना राग, राग से जुड़ जाओगे, जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे? घर पुत्र परिवार में इसको स्त्री कहेगा, कोई पुरुष कहेगा, कोई अपना कहेगा, कोई पराया कहेगा, लेकिन संसारी जीवों के वचन जोड़ने वाले हैं। काय से जोड़ने वाले हैं? राग या देश। इस संसारी जीवों के वचन, संसारी जीवों के जितने भी वचन है, इसलिए या तो राग से जोड़ने वाले हैं या द्वेष से जोड़ने वाले हैं। लेकिन जिन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान के वचन, ये अक्षर स्वरूप। देखो भैया आज जितना भी आप जान रहे हो, सही बताओ, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बताओ, आज आप जितना भी जान रहे हो, वो जो जानना हो रहा है वो अक्षरों के माध्यम से ही हो रहा है, पक्का ना? बिना अक्षरों के तो कुछ नहीं जाना जा सकता। और अब एक बात बताओ, जब सारा जानना अक्षरों से ही हो रहा है, तो ये सारे अक्षर, जितने भी अक्षर प्रकट हो रहे हैं, वो ज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं ना भैया? बिना ज्ञान के उनका उदय हो सकता है? अक्षरों से, अक्षरों के माध्यम से जानना हो रहा है, पक्का? कोई संशय नहीं? मैं उदाहरण दे दे, मा ओता दो अक्षर है, मा ओता ये दो अक्षरों को मिला दिया गया तो भाव वासना होने लगी कि ये मेरी माता। अक्षरों से दो अक्षर मिल गए तो मा ओता, तो आपको उसका वेदन होने लगा। तो ये बात तो प्रमाणित हो गई, ये अक्षरों से ही सारा अनुभव जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, अब ये अक्षर कहां से आ रहे हैं भैया? बिना ज्ञान के ये अक्षर उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमारा जो ज्ञान जान रहा है वो अक्षर में है। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी क्षय ना हो। इसलिए कभी अक्षर नष्ट नहीं होता। अब जब अक्षर नष्ट नहीं होता तो कभी ज्ञान भी नष्ट नहीं होता। ये देखो अच्छे से सुनो, क्योंकि कभी ज्ञान ही नष्ट नहीं होता, ज्ञान भी शाश्वत है, ध्रुव है और अमिट है, इसलिए अक्षर भी शाश्वत है, ध्रुव है और अमिट है। तो यहां आचार्य भगवान का कहना है कि तुम ज्ञानम पंचामी अक्रम जोयम, तुम ज्ञान में जो अक्षर स्वरूप अपना आत्मा है, इस अक्षर से, इन अक्षरों के माध्यम से अपने पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव को जो। अब अपन ने चर्चा यहां निकाली है। देखो भैया, संसारी जीव भी शब्द बोलते हैं, कोई बोलता है माता, कोई बोलता है पिता, कोई बोलता है पुत्र, कोई बोलता है मित्र, कोई बोलता है शत्रु।
कि ना संसारी जीव भी वचन बोलते हैं, लेकिन संसारी जीव के वचनों से काहे की अनुभूति होती है भैया? राग की या द्वेष की? यदि कोई आपके मन के हिसाब से वचन बोलता है तो, और यदि कोई आपके मन के विपरीत वचन बोलता है तो संसारी जीवों के वचनों से जुड़ने से क्या प्रकट होगा भैया? सीधी बात है, इन अज्ञानी संसारी जीवों के वचनों से जुड़ोगे, इनकी बात को सुनोगे, इनके इनके ही चिंतन में लगे रहोगे, इनके ही मनन में लगे रहोगे, संसार के बारे में विचार करते रहोगे, तो भैया निरंतर अज्ञान की उत्पत्ति होगी, निरंतर कसाय भाव की उत्पत्ति होगी। ये अक्षर, ये जो अक्षर है, कहने लगे ये अज्ञान में जो अक्षर, अज्ञान में जो शब्द हैं, अज्ञान में जो संसारी जीवों के शब्द हैं, कहने लगे ये निरंतर राग देश कसाय को प्रकट कराएंगे। जब संसार से जुड़े रखेंगे तुम्हारे उपयोग को पर में भ्रमित करेंगे, कोई माता कहेगा तो तुम अपने आप में मोह में मर जाओगे कि भैया मैं तो इसकी माता हूं, कोई पिता कहेगा तो मोह में मर जाओगे, कोई पुत्र कहेगा तो मोह में मर जाओगे। संसारी जीवों के वचन तो तुम्हें संसार में डुबाने वाले ही हैं। तो भैया अब संसारी जीवों के वचन तो भैया संसार में डुबाने वाले हैं, तो भैया मुक्ति में ले जाने वाले कौन से वचन है? सीधी बात आ गई भैया, ज्ञानम पंचामी अखरम जोयम, जो पंचम केवल ज्ञान वीतराग तत्व तारण तरण जिन कह रहे हैं कि जिनम चा परम जिनियम, जिन में भी परम जिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। कैसे प्रकट होगा? इसलिए पंचम ज्ञान में स्वभाव की आराधना कराने वाले ये जो अक्षर हैं, इनके माध्यम से अपने स्वभाव को जोगे तो वो परम जिन वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाए। सरल सी बात है भैया कि संसारी जीवों के वचनों को सुनोगे, उन्हीं को अपने चित्त में चिंतन करोगे, राग देश कसाय का विचार करोगे, तो भैया अज्ञान का आवरण बढ़ेगा। और यदि जिनेन्द्र भगवान ने जो अक्षर कहे हैं आत्म ध्यान ज्ञान साधना आराधना के सम्यक ज्ञान में, मति ज्ञान की साधना के, अवधि ज्ञान की साधना के, शुद्ध ज्ञान की साधना के, मनापर्या ज्ञान की साधना के, केवल ज्ञान की साधना के जो अक्षर सर्वज जिनेन्द्र परमात्मा ने कहे, जो ज्ञानियों ने कहे हैं, यदि उन अक्षरों को जोगे, जिनवाणी के अक्षरों को जोगे, चिरेन भगवान के द्वारा कहे हुए यदि शुद्ध अक्षरों को जोगे, तो क्या होगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान वीरता क्या बढ़ेगा? सभी भी ये बात अपने स्पष्ट करी थी। क्या स्पष्ट करी थी भैया? ही अपन यदि संसारी जीवों के वचनों को जोएंगे, अज्ञान नाना प्रकार की धारणाओं में उलझेंगे, तो अज्ञान आवरण से अज्ञान आवरण बढ़ेगा, वो जीव एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाएगा। और लेकिन यदि जिनेन्द्र भगवान जो कह रहा है ज्ञानम पंचामी अखरम जोयम, सर्वक परमात्मा जो कह रहा है, जैसे जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को जोएंगे, सर्वक भगवान के वचनों को जोएंगे, तो क्या होगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान वीरता, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा। अपने को अपनी रुचि को देखना है यहाँ, रुचि अपने को यहाँ अपनी अंतर रुचि को देखना है भैया। क्या देखना? कि हमारी रुचि काय को जोने में लगती है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को जोने में लगती है, वस्तु स्वरूप का विचार करने में लगती है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की वाणी का मंथन करने में लगती है, या फिर पर पदार्थों का, स्त्री पुत्र परिवार का, शब्द ही है इस सारा संसार को यदि एक शब्द जाल कह दो तो कोई बुरी विचार, इस सारे संसार को एक शब्द जाल दे कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों भैया? शब्द जाल कैसे कह सकते हो? बस किसी से अपना कह दिया तो अपनेपन की भाववासना होने लगी, और किसी से पराया कह दिया तो परायापन की भावना होने लगी। ये संसार शब्द जाल से ज्यादा और कुछ भी शब्दों का जाल है भैया, जो जैसा फैला दे, जो जितना अच्छा वक्ता, जो जितना अच्छा बोलने वाला, जो जितना ज्यादा मायाचारी करने वाला, जो जितना मीठा बोलने वाला, उसका वैसा माया जाल भैया। ये संसार का पूरा चक्र या तो मन की विचारधारा, विचार भी शब्दों से होते हैं, तो
ये पूरा का पूरा संसार शब्दों के मायाजाल से ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी वाली माया पसंद है। एक संसार की माया है, ये भी शब्द रूप है, और एक केवल ज्ञान की माया है, वो भी शब्द रूप है। देखो भाई, दो माया है। एक माया है इस संसार की, मोहिनी कर्म की। ये मोहिनी कर्म इस संसार में शुभ अशुभ राग आदि द्वेष आदि कर्तत आदि भुक्तत आदि इन सारे परिणामों को उत्पन्न कर रहा है। एक माया है संसार की, और दूसरी माया है चैतन्य की, स्वभाव की, अनंत रसन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। दो माया है। अब आप निर्णय कर लो कि आपको कौन सी माया अच्छी लग रही। सही बताओ कौन सी माया अच्छी लग रही है भैया। यदि चैतन्य की माया अच्छी लग रही है तो ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम, बार बार इन अक्षरों का चिंतन मनन और मंथन करते हुए भैया अपने ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करो। देखो भैया, एक एक छोटी सी बात कह के अपन अगली गाथा पे चल रहे हैं। बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। इस जीव ने अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में आचरण करके अपने ज्ञान के उघाड़ को कम किया है। आज भी यही कर रहा है जी, ये अपने ज्ञान के उघाड़ को कम कर रहा है। लेकिन भैया अब ये जीवन को अपने ज्ञान का उघाड़ बढ़ाने में लगा। अज्ञानता के कारण जीव को ऐसा लगता है कि धन बढ़ाने से हमारा विकास होता है। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, सावधान। अज्ञान दशा में जीव को ऐसा लगता है कि भौतिक पदार्थ और धन इंद्रिय विषय बढ़ाने में हमारा विकास होता है। एक बात बता, बहुत भौतिक पदार्थ बढ़ा लो, बहुत विषय इंद्रिय विषय बढ़ा लो, एकदम असंगी चार असंगी हो जाओ तो, मन रहित हो जाओ तो, जल्दी जल्दी बताओ, चार इंद्री हो जाओ तो, तीन इंद्री हो जाओ तो, दो इंद्री हो जाओ तो, एक इंद्री हो जाओ तो, मतलब जिन्हें तुम इकट्ठा कर रहा है उन्हें भोग भी, नोट में दीमक बन के लग जाइयो। नोट कमाया ना तुमने, घर बनवाया ना, दीवाल में दीमक बन के जन्म ले ले रहा, एक सांस में एक एक 48 मिनट में 18,036 बार जन्म मरण करना। धन बढ़ाया ना तुमने, दुकान मकान पुत्र परिवार पूरा कुटुंब कबीला जो इकट्ठा करा ना, फिर मैं दीमक बन के जन्म लेना आराम से, मैं जाके जन्म मरण करना, फपून बन जाना, एक इंद्रिय पर्याय ले लेना, दो इंद्रिय पर्याय ले लेना। अब बताओ क्या कमाई करने में ज्यादा फायदा है? तुम कितना ही कमा के, कितना ही इकट्ठा करके, कितना ही परिग्रह छोड़ के, कितना ही अधिक इकट्ठा करके रख लो, कितना ही अधिक, कितना ही तुम तीनों लोक की संपत्ति चक्रवर्ती का पद ग्रहण कर लो, तुम तो बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक कल्पना की जा रही है, तुम चक्रवर्ती के पद को ही प्राप्त कर लो, छह खंड के अधिपति हो जाओ तुम तो, भाई क्या होगा इससे, क्या होगा ये बताओ, बढ़ा लो आप कितना बढ़ा सकते हो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, अंतिम छोर तक पहुंच जाओ, तो तीनों लोगों को जीत लो, क्या होगा, तुम छह खंड के राजा हो जाओ, क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, ना छह खंड के राजा हो जाओ, लेकिन तुम सब कुछ कमा के सब कुछ इकट्ठा करके अपने घर जोड़ लो, ओके ना, फिर तुम हो जाओ असंगी, अब हो मन रहित हो जाओ, अब हो भोगा, अब क्या हुआ, तो ये कमाना क्या काम का, कमा नहीं रहा है, वो परिणमन से आ रहा है, कर्ता बुद्धि करके मरे जा रहा है। अब बताओ भैया ये साधना कितनी अच्छी है अपनी, कौन सी वाली, धन की साधना कि कमाओ जीवन भर जोड़ो और आखिरी में जाओ तो भोग ना पाओ। ये कैसी साधना है, ये कैसा विकास है, ये जीवन का विकास नहीं, जीवन का पतन है। अब हम अच्छी वाली साधना बताएं, गुरु महाराज के ज्ञाने ज्ञान वीरधाम, हे भव्य आत्मा
इस भाव में ज्ञान की साधना करो। तुमने मति ज्ञान की साधना कर ली, शुद्ध ज्ञान की साधना कर ली, और यदि और अधिक साधना करे अवधि ज्ञान पकड़ा लिया, मना पर ज्ञान पकड़ा लिया, केवल ज्ञान पकड़ा लिया, तो ये क्रमशः तुम्हारा विकास होगा और निरंतर तुम्हारा विकास होगा, तो कभी तुम इन बोल दुर्गतियों में जन्म नहीं लोगे। वो बाहर की धन संपदा तो तुम्हारे पेड़ों के नीचे धूल बन के पड़ी रहेगी। अब आप बताओ कौन से विकास को चाहते हैं? ज्ञान के ज्ञान में, ज्ञाने ने ज्ञान बीर्धम, आप ज्ञान के ज्ञान में विकास को चाहते हो या फिर धन संपत्ति भौतिक पदार्थों को बहुत कमा के बहुत बढ़ा के एक इंद्री पर्याय में जाना चाहते हो, फपून बन के दो इंद्री पर्याय तीन इंद्री पर्याय में रहना चाहते हो? जिस घर में कमा के रखा पता लगा मही लटक गए मकड़ी बन के, तो भैया इस मनुष्य भाव में मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता की साधना करो ना, सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता की साधना करो ना, अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव के सहकार की साधना करो ना। ये ज्ञान का विकास आत्मा का विकास है, भौतिक पदार्थों का विकास आत्मा का विकास नहीं है। बात आई अंतर चित्त चढ़ी नहीं चढ़ी, पहले जा बता नहीं चढ़ी नहीं चढ़ी, जवाब नहीं चढ़ी आया है, अभी भी चढ़ी नहीं आया भैया। ये भौतिक पदार्थों का जो विकास है, इंद्रिय विषयों का, काम का, ये भौतिक संसाधनों का, ये जो विकास हो रहा ना, ये विकास आत्मा का विकास नहीं, ये विकास आत्मा का पतन है। आत्मा इन विकास को करके, इन भौतिक पदार्थों को जोड़ के एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा और यह दीमक बन के मक्खी बन के मच्छर बन के रहेगा, भोग नहीं पाएगा। ओ भैया जो आत्मा के ज्ञान का विकास है ना, शुद्ध ज्ञान का विकास, दर्शन ज्ञान का विकास, ये विकास आत्मा का अपना विकास है, और यदि इस आत्मा का विकास हो गया तो फिर ये आत्मा इन दुर्गतियों में कभी, और ये जो पुण्य के उपभोग हैं संसाधन है, ये पांव में के नीचे धूल की तरह पड़े रहेंगे। ये है क्रमिक विकास जो आत्मा का विकास है। लेकिन चेतन आत्मा सही, अपने अंतर आत्मा अपने मन से बोलो कि तुम बाहर वाले विकास में लगे हो या अंतर वाले विकास में लगे हो। प्रीतम भैया झूठ ना बोलो, कोशिश कर रहे हैं ये बोलो, गायक बन के बैठे हो तो बोलो, सही सही बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, काय का विकास करने लगे हो, घर का, कुटुंब का, परिवार का, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, धन का, दौलत का, काय का विकास करने लगे हो, भौतिक संपदा का? ये विकास, विकास विकास की परिभाषा बदलो। आत्मा का पतन है ये, बाहर के पदार्थों का विकास आत्मा का पतन है। हम नहीं कह रहे छूट जाएगा तुम, अरे तुम्हारे पुण्य के उदय में है तो पिताजी नहीं जिनेन परमात्मा खुद आ जाए तो नहीं छीन सकते, और तो छोड़ो, तुम्हारे पुण्य के उदय में, तुम्हारे भाग में है तो संपदा का कोई ढेला काम नहीं कर सकता, बल्कि सब परिणाम रहेंगे, विशुद्ध परिणाम रहेंगे, तो ढेला होगा तो गुड़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन भाई क्या कह रहे हो आप, कहना क्या चाह रहे हो भैया? आत्मा का विकास की ओर ध्यान दो, ज्ञान के विकास की ओर ध्यान दो, आत्म ध्यान से, आत्म चिंतन से, मनन से, जिनेन भगवान की वाणी के स्तवन से, जिन भगवान की वाणी के स्तवन से, आत्मा के विकास की ओर ध्यान दो। आत्मा विकसित होना चाहिए, धन मिट जाए तो मिट जाए, आत्मा का विकास, ज्ञान का विकास होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का विकास होगा तो ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, सच्ची अच्छा अर्थात अच्छी गतियों को प्राप्त करेगा। भैया अच्छी गतियों को प्राप्त करेगा, संगी पंचेंद्रिय रहेगा तभी तो पंचेंद्रिय को भोग भोगेगा, मन सहित रहेगा तभी तो मन की इच्छाओं का भोग करेगा, मन रहित हो जाएगा तो, असंगी हो जाएगा तो, चार इंद्रिय तीन इंद्रिय दो इंद्रिय हो जाएगा तो कहां से करेगा इन सबके भोग? हे पगले तुझे भोग भी चाहिए ना, तो तुझे शरण में तो जिनेन भगवान की ही आना पड़ेगा। हे तुझे भोग भी चाहिए तो तुझे शरण में तो यही आना पड़ेगा,
तेरे समझ में ये बात आ ही नहीं रही, तेरी समझ में ये बात आई नहीं, चित्त चढ़ी नहीं रही कि भगवान जी यहां आत्मा के विकास से ही सारा क्रम जुड़ा है, आत्मा के विकास के बिना कुछ होने वाला। स्वार्थी लोभी जीवों के लिए ये मार्ग भी बता दिया हमने, तुम्हें यदि चाहिए ना धन भी भोगने के लिए तो भी तुम्हें आना यही पड़ेगा, यहां के बिना कुछ मिलने वाला। गुरु महाराज तो वही बीतराग्त की बात कर रहे हैं, गुरुदेव तो जिन भगवान जिन पद को उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिनम च परम जिनियम, जिन में भी परम जिन शुद्ध वीतराग स्वभाव तेरे अंतर में। गुरुदेव आज्ञा दो क्या करें, पहले एक काम कर उस परम जिन स्वभाव को ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम, ये जिनेन्द्र भगवान के जो अक्षर है स्वर है व्यंजन है पद है जिन्हें आप गाथाएं कहते हो, स्वर व्यंजन में पद में अर्थ में ये जो गाथाएं हैं अक्षर स्वर व्यंजन में, इन अक्षरों से अपने पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को जो, इन अक्षरों के माध्यम से अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की साधना करो। क्या होगा गुरु महाराज से, ज्ञाने ज्ञान वीर्धम, घर पुत्र परिवार का विकास नहीं होगा, काय का विकास होगा, आत्मज्ञान का। इस विकास की इच्छा है, घर पद परिवार का विकास नहीं होगा, मोह के बंधनों का विकास नहीं होगा, आत्मज्ञान का विकास होगा। और सुनो जिन तारण तरण स्वामी क्या कहते हैं, ज्ञाने ने ज्ञान वीरधम, यदि ऐसे ज्ञान का विकास होगा तो वर्तमान में तो सुख मिलेंगे ही, लेकिन आगे ममल स्वभावेन, ऐसे ममल स्वभाव की अनुबोध न करने से सिद्धि संपत्तम, सिद्धों की संपदा प्राप्त हो जाए। ज्ञान का विकास करोगे तो सिद्धों की संपदा मिलेगी, और संसार का विकास करोगे निगोद मिलेगा। विकास अपने हाथ, अपना साथ अपने हाथ अपना विकास, भैया अपने हाथ में अपना विकास है। आप चाहो तो अपना विकास करो अंतर में, तो सिद्धों की संपदा को प्राप्त करो, जिनेन पद को उपलब्ध करो, इसी भूमिका में सिद्धों जैसा अनुभव उत्पन्न करो ममल स्वभाव की साधना करके। भैया तुम चाहो तो बाहर में विकास की भावना रख के, पर पदगल पदार्थों को ग्रहण करने की भावना रख के अज्ञान का विकास करो, मोहे राग देश का मोहे राग देश से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का विकास करो, और निगोद में आराम से रहो। आराम तो करना भैया, जीव को दो जगह आराम मिलता है, एक निगोद में बहुत शांति है, एक सांस में 18 बार जन्म और मरण, और दूसरी परम शांति भाई सिद्धालय अपने सिद्ध स्वभाव में। दो ही जगह तो शांति है अर्थात स्थायी ठिकाना है, या तो निगोद में रहो या सिद्ध सिला में रहो। बताओ भगवान जी कौन सा विकास अच्छा लग रहा है, जो कह रहे हैं अपन कि आध्यात्मिक विकास अच्छा है वैसी रुचि लगी रहा है, वैसे ही अंतर आत्मा को साधने का भाव बना रहा है। भैया देखो अपन अगली गाथा बचा रहा है, देखो गुरु महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया बात कह रहा है, क्या कह रहा है, चिदानंद चिंत वन्नम। अब मान जाओ भैया क्या कह रहा है, काय का चिंतन करोगे भैया गुरुदेव कह रहे हैं चिदानंद चित्त वन्नम, अपने चित्त के उपवन में सल्लियों के सूल न चुभाओ, अपने चित्त रूपी चित्तवन में अपने चिंतवन में चिंताओं के बीज मत बो, आकुलताओं के बीज मत बो, क्योंकि चिंताओं के बीज बोगे आकुलताओं के बीज बोगे व्यर्थ की विकथाओं और व्यसनों का बेराग आलाप करोगे, अपने चित्त में आकुलता का बीज बोगे तो भैया कभी शांति मिलने वाली ही नहीं, अज्ञान आवरण को बढ़ाओगे। भगवान जी गुरुदेव की आज्ञा है चिदानंद चिंत वन्नम, चित्त रूपी उपवन में, चिंतन नहीं कह रहा हूं, चिंतन के माध्यम से चित्त उपवन्नम, अपने चेतन के आनंद को उत्पन्न करने के लिए। देखो भैया चित्तवन क्या होता है, चिंतन
चित्तवंदम के साथ चिंतन होता है, लेकिन चिंतन मात्र नहीं होता, चिंतन के साथ होता है आनंद, अर्थात आनंद स्वरूप की प्रतीति, आनंद स्वभाव का सहकार। चिंतन मात्र, देखो चिंतन मात्र तो अपन करते हैं, लेकिन चिंतन में चिंतन का महत्व दे देते हैं, शब्दों का महत्व देते हैं, लेकिन चिंतन में शब्दों का महत्व नहीं होना चाहिए, चिंतन में चैतन्य का महत्व होना चाहिए। भाई चिंतन काहे के लिए है? आनंद के लिए है। चिंतन काहे के लिए है? शांति के लिए है। चिंतन काहे के लिए है? अपने चेतन तत्व की प्रतीति के लिए है। चिंतन बुद्धि का विचार रूप परिणाम थोड़ी ना है। चिंतन और चिंतवन में बहुत अंतर है। देखो चिंतन में क्या है, चिंतन में भैया बुद्धि की विचारधारा है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं वीतराग तत्व हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं आभोक्ता हूं, कि लगे यहां चिंतन है, बुद्धि का बल बहुत ज्यादा लग रहा है, संस्कारों को तोड़ा जा रहा है, बुरा नहीं है, ये चिंतन है, इसी से चिंतवन का मार्ग बनता है। लेकिन भैया इस चिंतन को करते 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 भगवान कहते हैं, अरे जिसका चिंतन कर रहे हो चित्तवंदम, वो अपने अंतर ही तो है, उसका रस भी तो लो। रूखे रूखे कहे जा रहे हो मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, अरे खिलखिला के प्रसन्न होके तो कहो मैं भगवान आत्मा, रोमांचित होके तो कहो, बताओ कह रहे हो भगवान आत्मा हूं और चेहरे पे बजे बारह, कह रहा हो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, अनंत चतुष्टय का धारी हूं, और सूरत देखो तो ऐसी लग रही है जैसे कि कितना पिटाई लगा गया, कितना पिट के आ रहा हो, कर्मों ने खूब धोया हो, सुबह से लेकर शाम तक कर्मों ने अच्छा रगड़ रगड़ के धोया हो, आ रहे भैया रोए रोए से, ऐसे मुरझाए मुरझाए से जैसे कि अच्छी धुनाई लगी कर्मों से, और कह रहा भैया मैं ज्ञायक हूं। अरे गायक हो तो चेहरे का तेज कमल की तरह खिलना चाहिए, चेहरे में प्रसन्नता रहनी चाहिए, आनंद की लहरें अपने अपने चित्त में डोड़े तो भाई चेहरे पे भी चिंताओं की लहरें ना हो, चेहरे पे भी निराकुलता आनंद और प्रसन्नता का भाव हो। गुरुदेव की बात है भैया, चिदानंद चित्तवंदम, क्या करोगे चिदानंद का चिंतवन, और चिंतन ऐसा हो जो रस दे, आत्मा का रस दे, जो आत्मा की रस की धारा से जोड़ दे, चिंतन वो हो जो तुम्हें आत्मा के रस की धारा से जोड़ दे, आत्मा के आनंद की धारा से जोड़ दे, आत्मा के ज्ञान में विज्ञान की धारा से जोड़ दे। भाई चिंतन ही चिंतन मात होता रहे और तुम आनंद की धारा से ना जुड़ो तो क्या लाभ चिंतन का, अर्थात चिंतन ही चिंतन होता रहे और चेतन की धारा से ना जुड़ो, प्रसन्नता ना आए, रोमांच ना आए, बहुमान ना आए, अंतर से अंतर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश ना हो, क्या मतलब कहने लगे भैया, जब चिंतवन कर रहे हो तो भैया चिदानंद का अनुभव करो, चिदानंद का चिंतवन करो, अर्थात आनंद में होते हुए चैतन्य के आनंद में होते हुए आत्मचिंतन में रहते रहो। किसको कठिन लग रहा है भैया, बहुत कठिन है, जल्दी बताओ किसको कठिन लग रहा है कि भैया बहुत कठिन काम है, सही बताओ किसको लग रहा है कठिन भैया, चिंतन भी ऊपर से आनंद भी। देखो एक कहानी सुनाते हैं, जब किसी से कसाय का चिंतन करते हो कि इसने मुझे बुरा कहा था आज मैंने इसे बुरा कह दिया, मन कैसा प्रसन्न हो जाता है, आज तो इसको अच्छी धूल चटाई, मन रोमांचित हो जाता नहीं हो जाता, होता है नहीं होता। यदि आप किसी से कुछ कह दो, कोई आपसे कुछ कह दे और आपको यदि उस कसाय का पोषण करने का मौका मिल जाए कि आज तो इसको अच्छी धूल चटाई, सही बताओ मन आनंद में हो जाता नहीं हो जाता, काय का आनंद है वो, आर्त रोध ध्यान का आनंद है, हिंसा नंदी आनंद है नहीं है, उसको हिंसा करके आपने आनंद का उपभोग किया, हिंसा नंदी रोध ध्यान है नहीं है, हिंसा में आनंद माना नहीं माना आपने,
कि इसने मुझसे कहा था और मैंने इससे बदला ले लिया। अब तो आनंद ही आनंद है भैया, बहुत दिनों बाद खुन्नस निकली है, बहुत दिनों बाद मन की इच्छा पूरी हुई है। कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। काय में हिंसा नंदी रोध जान, चोरी की कथा सुनने में, चोरी नंदी में, मृषानंदी में, झूठ बोलने में कितना आनंद आता है कि अच्छा बेवकूफ बनाया, कैसा मूर्ख बनाया, कितना मजा आता है। ऐसा लगता है कि सारे सुख अभी मिल गए, है ना। चुगली करने में, बी कथा करने में, इधर उधर की चर्चा करने में कितना आनंद आता है। कथाओं का आनंद लेते हो, ये तो रोद्र ध्यान है। और रोद्र ध्यान नियम से कहा कारण है, रोद्र ध्यान नियम से नरक गति का ही कारण है। जहां भी रोद्र ध्यान पाया जाता है वो जीव नियम से नरक गति ही जाता है, जाएगा ही जाए। अब भगवान जी बताओ, जिस प्रकार हिंसा में आनंद मान सकते हो, है ना, कसाय के चिंतन में आनंद मान सकते हो, बेर विरोध में आनंद मान सकते हो, और यहां गुरु महाराज कह रहे हैं चिदानंद चित्तवंदम, चैतन्य आत्मा के चिंतन में आनंद नहीं ले सकते। मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, वीतराग तत्व हूं, जिनेन्द्र भगवान के वचन है जिससे ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव का चिंतन करके आनंद नहीं ले सकते। कसाय करके आनंद ले सकते हो, झूठ बोल के आनंद ले सकते हो, चोरी करके आनंद ले सकते हो, देखो तो जीव को देखो तो। हिंसा करके आनंद ले सकता है, हिंसा नंदी रोध ध्यान, चोरी कर, चोरी की कथा करके, चोरी करके चोरी नंदी रोध ध्यान, मृषानंदी असत्य बोल के झूठे पदार्थ में रत रह के मृषानंदी रोध ध्यान कर सकता है। लेकिन आब्रह्म, हाँ आब्रह्म की भी कथाएं करके, स्त्री कथा करके आब्रह्मानंदी रोध ध्यान कर सकता है। लेकिन भैया स्टारों की, फिल्म स्टारों की चर्चा करके अब्रह्म की भावना में आनंद मान सकता है, लेकिन यह ब्रह्म स्वरूपी ज्ञानानंद स्वभाव का चिंतन करके आनंद नहीं हो सकता। बताओ भगवान जी, हो सकता है नहीं हो सकता? होता क्यों नहीं है? हो सकता तो होता क्यों नहीं भगवान? हिंसा में हो सकता है, चोरी में हो सकता है, आब्रह्म कुशील में हो सकता है, मृषानंदी झूठ में हो सकता है, तो क्या अपने शाश्वत स्वरूप के चिंतन करने में आनंद नहीं हो सकता? जो आनंद स्वरूप आत्मा है, जो आनंद स्वरूप अपना चेतन धन है, उस चेतन में आत्मा के चिंतन में आनंद नहीं हो सकता? इन जहां आनंद है ही नहीं, जो रोद्र ध्यान है, जो नरक गति के कारण है, वहां आनंद हो सकता है कि कैसा, कि कैसी रुचि है, समझ में नहीं आ रही। ये कैसा जीव हो गया है, कैसा मूढ़ अज्ञानी जीव हो गया है, जिस जहां आनंद नहीं है वहां आनंद मान सकता है, वो जहां शाश्वत रूप से आनंद है, शुद्ध आनंद है, चिदानंद में आत्मा है, उसको आनंद चेतन के चिंतन में आनंद नहीं आ सकता। ये क्यों हो रहा है बताओ तो, एक बार विचार तो करो कि जहां आनंद नहीं वहां प्रसन्नता, वो जहां आनंद ही आनंद है, जहां आनंद के अलावा और कुछ नहीं, वहां आनंद नहीं आ रहा। सोच लो, विचार कर लो, ये अपन सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं है, इसलिए अपने को यहाँ आनंद नहीं आ रहा। और हिंसा की कथा करने में, चोरी की कथा करने में, स्त्री की कथा करने में, नाना प्रकार की भी कथाओं को करने में, इनमें आत्मरोध ध्यान में आनंद आ रहा है। क्या मिलेगा चेतनात्मा? दुर्गति मिलेगी। इसलिए गुरुदेव सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, चिदानंद चिंतवन, चिदानंद का चिंतवन कर भगवान। क्या मिलेगा गुरुदेव चिदानंद की चिंतवन करने से? कहने लगे सुन, चयन आनंद सहाव आनंद, चैतन्य का जो स्वभाव है ना, कैसा है वो? चयन, चयन का मतलब होता है चैतन्य, चयन कैसा हुआ, चेतन आनंदमय, सहाव आनंदम, चैतन्य में आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय। भैया एक घड़ी भी यदि अपने चेतन के निकट जाओगे तो वहां से आनंद के अलावा और कुछ उत्पन्न होने वाला? देखो पर में जाने में तो रिक्स है, यदि पुण्य का उदय होगा तो सुख की कल्पना होगी, और पाप का उदय होगा तो दुख की कल्पना।
सही है ना भैया। किसी भी पदार्थ को देखो, यदि आपको शुगर है तो गुलाब जामुन खाने में काय की अनुभूति होगी? दुख की होगी ना भैया। अच्छा भी लग रहा होगा तो भी खाते से ही शुगर जैसे बढ़ेगी तो पीड़ा होगी, दुख का अनुभव होगा ना। और शुगर ना हो तो सुख की अनुभूति होने लगेगी, शांति की महसूस होने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा वाह बहुत मजा आया, बहुत रस आया। तो पुण्य का उदय होगा तो सुख अनुभव, काल्पनिक सुख का अनुभव होगा। और यदि पाप का उदय होगा तो काल्पनिक दुख का अनुभव होगा। यहां तो रिक्स है बाहर में, पुण्य और पाप के उदय के अनुसार सुख और दुख के अनुभव। लेकिन भैया चैतन्य में तत्व से जब भी मिलन करोगे, जब भी जितने बार भी इसके पास जाओगे, जब भी उस परमात्म शक्ति के पास जाओगे, जब भी अपने चेतन आनंद स्वभाव के पास जाओगे तो वो आनंद घन स्वभाव वाला है। जिस क्षण उसके पास जाओगे आनंद के अलावा और कुछ मिलने वाला भैया? जहां 100% गारंटी है वहां क्यों नहीं आ रहे? जहां 100% गारंटी है कि आनंद के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है वहां क्यों नहीं आ रहे? जहां रिक्स है कि कभी सुख और कभी दुख, वही कब तक सुनेंगे ये कि विश्वास नहीं है, रुचि की कमी नहीं है। रुचि कब होगा विश्वास और कब बढ़ेगी रुचि? देखो ऊपर वाली गाथा में कहा था ना गुरुदेव ने, जिनम चाह परम जिन, जिन में भी परम जिन तुम्हारा वितराग स्वभाव तुम्हारे अंतर में। उपाय क्या बताया था भैया? ज्ञानम पंचामी अक्रम जोयम। अपन ने क्या उपाय ढूंढा था कि अक्षरों के माध्यम से कोई पापा कहता है, कोई माता कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बंधु कहता है, फिर इन अक्षरों के माध्यम से काय की पूर्ति होती है? राग और द्वेष। क्या बढ़ता है? अज्ञान। कहां जाके रहेंगे? निगोद। ठीक है ना भैया। फिर अपन ने क्या कहा था, इस अज्ञानता का विकास ना करके काय का विकास करना भैया? ज्ञान का। कैसे होगा? इन अक्षरों के माध्यम से जिनेन भगवान की वाणी का सहकार करोगे तो ज्ञानेन ज्ञान विर्धम। और जो ज्ञान का विकास होगा वो विकास ही सही विकास है। क्यों सही विकास है? हितकारी नहीं, क्योंकि यदि बिना ज्ञान के विकास के यदि भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा भी कर लिया तो भोगने की शक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि एक इंद्री क्यों, एक इंद्री पर्याय में चले जा, कितने महल अटारी बना के चले जा, भोगने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। तो इसलिए बाहर के विकास में कोई हित नहीं है। अब देखो ये बात भी सुनाई देते हैं, आपने निकाल ली तो जल्दी से 2 मिनट सावधान। देखो भैया जब तक जीव को और अधिक प्राप्त करने की वासना है ना, इच्छा है ना, तो जो वर्तमान में सुख है उसको भी भोगने में वो सामर्थ नहीं है। पुण्य उदय से अच्छा खासा मिला है, सही कह रहा है, पुण्य उदय से अच्छा खासा मिला है और अपने पुण्य उदय से मिला है, लेकिन कल में कल प्राप्त करने की इच्छा, कल और अधिक भोगने की इच्छा वर्तमान में प्राप्त सुख को भी भोगने के लिए नहीं दे रही। अपने पुण्य का उदय का भोग ही जीव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भैया भयभीत है कहीं छूट ना जाए, कहीं रोगी ना हो जाऊं, कहीं कोई चोरी ना कर ले, अपने भाग्य का विश्वास नहीं है। और ज्यादा पाने की इच्छा है, उसकी परिणति को शांति नहीं होने दे रही। पतला का मुंह में खाया गुलाब जामुन, लेकिन भाई चिंता चल रही कि दुकान में कौन आया होगा, पूछे गुलाब जामुन खा लिया क्या? कह लगे हाँ खाया तो, कहना अच्छा नहीं लगा, चेहरे प्रसन्नता नहीं गुलाब जामुन खाने की? कहने लगा अरे वो शल्य चल रही थी, पता ही लगा मीठा था नहीं था। कहना कहाँ खोए थे? दुकान पे चल रहे थे। अच्छा ये तेरे पुण्य का उदय था वो गुलाब जामुन में? कहने लगा अरे वो चला गया। कहाँ चला गया? कहने लगा चिंता ने उस पूरे पुण्य के उदय को खा लिया, पाप में बदल दिया, तुझे अपना गुलाब जामुन का स्वाद ही। बेचारा बेचारा जीव अपने वर्तमान पुण्य का ही भोग नहीं कर पा रहा। अपने पुण्य का भोग नहीं कर पा रहा, इतना मूड है पागल है, मतलब क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा।
कर क्या रहा है, कुछ समझ, कोई लॉजिक तो हो, कुछ समझ में तो आए भैया, कर क्या रहा हो? वर्तमान में जो सुख है, सुविधाएं है, आनंद है, उसको ही भोग लो कम से कम, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे भैया। देखो इसलिए बार बार चेता रहा है, इसलिए बार बार कह रहा है भैया इन अक्षरों के माध्यम से अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जोड़ तो ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी। और ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम, ममल स्वभाव में आचरण करने से सिद्धि की संपदा प्रकार। इसलिए कहते हैं अध्यात्म सारी गुत्थियों को सुलझा देता है, अध्यात्म को ग्रहण करने से सारी मिथ्या मान्यताएं टूटती हैं, सारी चिंताएं टूटती हैं, सारी आकुलताएं टूटती हैं और जीव की चेतना को नई दिशा प्राप्त होती है। जो बात हम सोच भी नहीं सकते वो चीज यहां प्राप्त होती है, क्योंकि अपन अपनी चिंताओं से अपनी आकुलताओं से सोचते हैं कि अपन सुखी हैं, लेकिन पता लगता है अध्यात्म को ग्रहण करने के बाद वो चिंताएं आकुलता जाने के बाद जो सुख आता है, सुख तो वो है क्या पता लगता है, क्या खाया क्या पिया और क्या पहना पता लगता है भैया, पुण्य का उपभोग होता है। तो भैया यहाँ अपन पुण्य पाप से परे चर्चा कर रहे हैं, आचार्य भगवान का कहना है चिदानंद चित्वन्ना। देखो भैया याद रखो क्या कि जो कसायों के चिंतन में आनंद लेते हो वो दुर्गति आत्म ध्यान है नरक का कारण है, आत्मा के चिंतन में आत्मा के आनंद रूप चिंतन में रत रहोगे तो मुक्ति का कारण है। कैसा आनंद भैया, चैन आनंद साहब आनंदम, आत्मा सर्वात्म प्रदेशों से आनंद में है, इसका चिंतन करो। क्या होगा गुरुदेव इससे चिंतन से, कम मल पड़ी क्षिपनम, जितने भी कर्मल सत्ता में पड़े हैं वो सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे। काय से आनंद स्वभाव का चिंतन करने से, चैतन्य स्वभाव के आनंद में चिंतन में रत होने से कममल पणी क्षिपनम। और आचार्य भगवान का कहना है ममल सहावेन अनमोय संयुक्तम, हे भव्य आत्मा ममल स्वभाव की अनुबोधना से संयुक्त रहो, और कुछ देखो ही मत, और कुछ सुनो ही मत, और कुछ जानो ही मत। क्यों भैया, क्योंकि बाहर का सारा काम तो इंद्रियों के विषयों के अधीन कर्मों के वजह से हो ही रहा है, तो क्या करें, क्योंकि तुम तो अपने चैतन्य के आनंद में मस्त रहो। अब ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन क्यों लग रही है, अच्छा ये बताओ। देखो अपन इतना भी जान लिया ना, देखो सावधान, अपन इतना भी जान लिया ना, चिंताओं और आकुलता के कारण अपन अपने वर्तमान पुण्य का भी उपभोग नहीं कर पा, जान लिया ना भैया अपन, इसके बाद भी इन चिंताओं और आकुलताओं को छोड़ना इतना कठिन क्यों लग रहा है। धन छोड़ने तो नहीं कह रहे ना, पुत्र परिवार छोड़ने तो नहीं कह रहे ना, भोजन छोड़ने तो नहीं कह रहे ना, तुम्हारी बाहर की कोई वस्तु छुड़ाने की तो बात कर ही नहीं रहे ना, सब कह रहे ना जो है वो वैसा भोगो, बड़े अच्छे से भोगो, शांति से भोगो। लेकिन इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी अपने को चिंताओं को छोड़ना इतना कठिन क्यों लग रहा है। अरे ना तुमसे पैसा छोड़ने कह रहा है, ना तुमसे तुम्हारा भोग छोड़ने कह रहा है, ना तुमसे एक भी एक रंच मात्र दान करने भी नहीं कह रहा है कि तुम चैत्यालय आके 1 रुपए का दान कर दो, कुछ भी नहीं कह रहा है, कि लगे जो कुछ है वो सब अपने पास जैसा वैसा रहने दो, कि लगे लेकिन चिंताओं और सल को छोड़ दो। अब ये बताओ ये चिंता और सल को छोड़ना इतना कठिन क्यों लग रहा है, बताओ जल्दी क्यों लग रहा है। बताओ भैया ये मोहिनी कर्म का आवरण, ये मन का आवरण, ये मन की पराधीनता, ये जीव को मोहिनी कर्म ऐसा डस रहा है कि वर्तमान भौतिक सुखों का सुख भी नहीं लेने और अधिक की चाहना में ये मोहिनी कर्म जीव को इतना संतप्त करे हुए है, इतनी इच्छाओं और आकांक्षाओं में अनुरक्त करे हुए है कि जीव 2 पल के लिए शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा, इतना खतरनाक है मोहिनी कर्म।
जानते हुए समझते हुए भी भैया अपने सुख की बात, लौकिक सुख की बात स्वीकार नहीं कर पा रहा कि चिंताएं और आकुलताओं से मुक्त होंगे, रोग टेंशन बीमारी तो जाएगी जाएगी, डॉक्टरों के पास का पैसा तो बचेगा बचेगा, पुण्योदय बढ़ेगा वो अलग, सदगति मिलेगी वो अलग, और वर्तमान में जो भोग सुख सुविधाएं हैं पता लगेगा कि क्या खाया क्या पिया क्या पहना क्या हो रहा। देखो भैया इस भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भी मन की और चित्त की शांति अनिवार्य है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म जीव को इस मन को संतप्त करा हुआ है, आकुलित करके रखा हुआ है, और जीव को अपने हित की बात, लौकिक हित की बात भी समझ में नहीं आ रही और पारमार्थिक हित की बात भी समझ में, दोनों दिन से जा रहा है ना, इधर का और ना उधर का, दुर्गतियों में या जाने वाले जीव की बुद्धि देह बुद्धि हो गई, संसार बुद्धि हो गई है, इस कारण से उसे परमार्थ की बात समझ में नहीं आ रही। पर आचार्य भगवान का कहना भैया कि ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि आत्मा का विकास है, इस बात को उदाहरण से बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि जिस समय ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी उस समय आत्मा विकसित होगा आत्मा, और यदि तुम्हें यदि यकीन ना हो तो चार इंद्रिय से पूछ के बताओ कि तुम कितने सुखी हो, एक इंद्रिय झाड़ पेड़ से पूछ के बताओ कि तुम कितने सुखी हो, तुम्हारे पास ज्ञान का क्षय सम कम है तो तुम कितने सुखी हो। आप एक बात का चिंतन करो अच्छा एक बात का चिंतन करो, एक इंद्रिय में और तुम में क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है जो तुम सुखी और वो दुखी? एक झाड़ पेड़ पहाड़ नदी या एक मच्छर एक चींटी एक हाथी, जो असंगी उनकी बात करते हैं, एक मच्छर एक चींटी एक इंद्री दो इंद्री लट आदि आदि जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं इनमें और तुम में क्या ज्यादा है? आपके पास क्षयोपशम ज्ञान का जो विकास है ना, क्षयोपशम इधर ज्यादा है, आप में उनसे ज्यादा विचार करने की शक्ति तो है, आपके पास क्षयोपशम इधर ज्यादा है, उनके पास क्षयोपशम कम है तो वो देखो उनकी दुर्गति देखो, और तुम्हारे पास क्षयोपशम ज्यादा है तो तुम्हारा एश देखो, और मान लो तुम्हारा भी क्षयोपशम भाव एक इंद्रिय बराबर हो जाए तो जैसी स्थिति आज उनकी है वैसी स्थिति अपनी होने में ज्यादा देर लगने वाली, तो मतलब क्षयोपशम से सुख दुख है, बाहर के भौतिक पदार्थों से सुख दुख क्यों नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है भगवान, क्यों नहीं मान रहा है कि ज्ञान के क्षयोपशम से सुख दुख है, भौतिक पदार्थों से सुख दुख नहीं है। अभी भी बात पकड़ में नहीं आई, कितने सारे उदाहरण दे दिए हमने एक घंटे में इस बात को सिद्ध करने के लिए, 10 से ज्यादा उदाहरण दे दिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आई। भगवान आत्मा अब तो रुचि लगा लो कि ज्ञान का विकास ज्ञाने ने ज्ञान भी ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करने में, मान जाओ भगवान अभी मान जाओ यदि एक इंद्रिय पर्याय में चले गए तो कोई मनाने वाला भी नहीं मिलेगा, जिनमें ये जिंदन भगवान की वाणी ये सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान और आत्म कल्याण की ये बातें ये सब मनुष्य भाव में मिलती हैं, वो भी उत्तम जिन कुल मिला है इसलिए मनुष्य भाव मन सहित विवेक सहित हो, और नहीं तो भैया कोई मनाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई ये बताने वाला भी नहीं मिलेगा कि तुम्हारा हित काय में है और तुम्हारा अहित काय में। आज मना रहे हैं जिनेन्द्र भगवान मना मना के सुना रहे हैं, सदगुरुदेव मना मना रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जीव आत्मा तेरा विकास ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ने में है, क्षयोपशम भाव की वृद्धि तेरी वृद्धि है, क्षयोपशम ज्ञान का विकास तेरा अपना विकास है, और ये क्षयोपशम ज्ञान का पतन हुआ तो तेरे आत्मा का पतन होने से इस जगत में कोई रोक सकता? आपको इच्छा हो तो इसका चार्ट दे सकते हैं, हमने खुद चार्ट बनाया है दीवार चिपकाने के लिए, क्षयोपशम ज्ञान का विकास ही आत्मा का विकास है, और एक क्षयोपशम ज्ञान का विकास नहीं होगा तो नियम से आत्मा का पतन होगा ही होगा। इसलिए भगवान जी आप अपने क्षयोपशम ज्ञान के विकास पे और ध्यान दो,
अपने छवसम का भाव अर्थात जीव के पास चक्षु इंद्रिय आवरण होगा तो जीव कौन सी गति में जाएगा भैया? चार इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय, और ये तीन इंद्रिय पर्याय में रहेगा तो फिर क्या विकास करेगा बताओ भैया? ए जीव के सामने चक्षु इंद्रिय आवरण आ गया, अचक्षु इंद्रिय के विकास से यदि एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा तो एक स्पर्श इंद्रिय मार्ग से क्या जानेगा, क्या देखेगा? छवसम का अभाव हुआ, कर्म आवरण से छवसम भाव घटा और छवसम भाव घटने से दुख बढ़ गए। हम आपको सुख और दुख की परिभाषा बता रहे हैं कि छवसम भाव घटता है और दुख बढ़ता है, और छवसम भाव बढ़ता है तो सुख बढ़ता है। छवसम भाव बढ़ने से सुख दुख की परिभाषा है, भौतिक पदार्थों से सुख दुख की परिभाषा नहीं है, ये बता रहे हैं भगवान आत्मा। अभी भी चित्त चढ़ी नहीं चढ़ी? नहीं चढ़ी, सही बता। यदि अभी भी चित्त चढ़ गई हो कि अभी भी तुम्हें अंतर अनुभव से समझ में आ गया हो कि छवसम भाव बढ़ेगा तो सुख मिलेगा और छवसम भाव घटेगा तो आकुलता, पीड़ा, उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं, अभी भी नहीं समझ में आई तो फिर कब आई? इतनी स्पष्ट चर्चा बिल्कुल खुली हुई और कम से कम 10 उदाहरणों से बताया आज भैया। इसलिए एक ही बात है कि ज्ञाने ज्ञान रुचि लगा कि जितना आत्मज्ञान के सन्मुख आओगे, जितना वस्तु स्वरूप को पियोगे, जितना ज्ञान का विकास होगा, जितना अपना छवसम भाव बढ़ेगा, उतनी अच्छी सदगति अपने को प्राप्त हो। देखो भैया, मान लो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ और यही तुम्हें देवगति का बंध हो गया तो देखो आज मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, महा अवधि ज्ञान सहित हो गए या नहीं हो गए बताओ? अच्छा, सम्यक भी नहीं हुआ तो भी छवसम भाव बढ़ेगा तो वहां सुख अधिक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो काय से सुख हुआ? छवसम भाव बढ़ा और सुख अधिक हुआ। माया काय की है? बाहर में छवसम की और अंतर में चिदानंद चित्तवंदम चैतन्य की। जो चैतन्य से जुड़ता है उसका छवसम भाव का विकास अपने आप ही। जो अपने अंतरात्मा से जुड़ता है, जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जुड़ता है, उसका छवसम भाव का विकास स्वयं ही होता है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी का कहना है ज्ञाने ज्ञान वृद्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करो भैया। ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा और आत्मा का सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा है आचार्य भगवान का तो सूत्र ही है ज्ञान प्रमाण सुख। अब बाहर में भी ले लो तो छवसम ज्ञान प्रमाण सुख, अंतर में भी ले लो तो आत्मज्ञान प्रमाण सुख। भौतिक सुख छवसम प्रमाण और आध्यात्मिक सुख ज्ञान प्रमाण, आत्मज्ञान प्रमाण। भैया ज्ञान बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा और ज्ञान घटेगा तो दुख और दुख। अब आप बताओ भैया, आप ज्ञान बढ़ाने के रास्ते पे हो या घटाने के रास्ते? सही बोलो भगवान जी। यदि बढ़ाने के रास्ते पर चल रहे हो तो ये नियम से सुख बढ़ेगा, ये तो निश्चित ही है। देखो आज चर्चा कहीं से कहीं चली गई लेकिन ठीक है, ये भी व्यवहार का विषय है। इसे सुनने से मन में बहुत तेज से अंकुश लगता है, चिंताओं और आकुलताओं से मुक्त होने की भावना आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीव भैया लोग पारमार्थिक हित समझे या ना समझे लेकिन लौकिक हित तो समझता ही। ये बातें सुनने से जीव को यदि परमार्थिक सुख की रुचि लगे ना लगे लेकिन ये बातें सुनने से कम लौकिक हित की रुचि तो लगी जाती है भैया। अपने अगला भाव सुधारने का भाव तो आ ही जाता है। ये बातें भी भैया कहीं ना कहीं हितकारी बनती हैं लेकिन भैया यदि इन बातों को समझ के जीव परमार्थ की ओर आ जाए तो सादी अनंत काल का सुख मिलेगा भैया। अंतर का आध्यात्मिक सुख अटल है, उसकी प्राप्ति क्या उपाय करो? आध्यात्मिक सुख। देखो आज तो भैया व्यवहार का विषय निकल आया है इसलिए व्यवहार ही व्यवहार की विशेष चर्चा हुई। बस मूल इसमें मूल तो ज्ञान ही है, लेकिन मूल तो ज्ञान है।
जिसकी दृष्टि ज्ञान पर चली गई, जिसकी दृष्टि आत्मज्ञान की ओर चली गई, उस आत्मा का कभी पतन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए भैया निज हित चाहते हो तो अपनी अपनी बात है, यदि अंतरात्मा का निज हित चाहते हो तो हे भव्य आत्मा अपने अंतरात्मा का विकास करो, अपने शुद्ध आत्मा का विकास करो, अर्थात शुद्ध आत्मपद को जानो। ऐसे ही आचार्य भगवान का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य भगवान सदगुरु दयानंद महाराज जी महाराज।